पार्टी ने आग्रह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, पार्टी के आदरणीय गृह मंत्री जी से, बिहार में कार्यक्रम उनके लगेंगे और हमारा जो 10 क्लस्टर बना है उस कार्यक्रम के माध्यम से जो बिहार में विकास के कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, पार्टी की संरचना खड़ी हुई उसमें हमारे सभी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो लोग सभी लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। पूरे देश में जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और बिहार बीजेपी अब निमंत्रण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। देखिए, 10 बड़ी रैलियां बिहार में होने जा रही हैं, अलग अलग जिलों के नाम सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार आ सकते हैं, अमित शाह बिहार आ सकते हैं और जेपी नड्डा बिहार आ सकते हैं। सीधी टक्कर जो है नीतीश, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव की पार्टियों को देना है, कांग्रेस को देने की तैयारी में बीजेपी लगी है। और मिशन 10 के तहत यानी 10 रैली बिहार में होने जा रही है। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, प्रयाने को बीजेपी बिल्कुल तैयार है। क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के आने को लेकर? सबसे पहले आप वो सुनिए, अमित शाह और मोदी जी की रैली बिहार में होनी है, बड़ा कार्यक्रम। आप लोग बड़ा कार्यक्रम, पार्टी ने आग्रह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, पार्टी के आदरणीय गृह मंत्री जी से कि बिहार में कार्यक्रम उनके लगेंगे और हमारा जो 10 क्लस्टर बना है उस कार्यक्रम के माध्यम से जो बिहार में विकास के कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है, पार्टी की संरचना खड़ी हुई है उसमें हमारे सभी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो लोग सभी लोग हैं। अब तो हम लोग तैयार है, काम करना था कर लिए। नरेंद्र मोदी जी का 4.5 वर्ष पूरा हो चुका है अब इस देश में। तो आपने सुना है बिहार बीजेपी ने आग्रह किया है तीनों नेताओं को, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लगातार बिहार आते हैं और उसके बाद अमित शाह का भी नाम चर्चा में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने है। अलग अलग जगहों पे ये रैलियां होनी है और लोकसभा चुनाव के पहले बिहार वासियों को साधने की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू होने वाला है और महागठबंधन की सरकार किस तरीके से इस बात को देखेगी ये भी देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव चीट इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से लाइव चीट इसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।